हेलो दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फोर एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम धोलेरा स्मार्ट सिटी जो कि गुजरात में स्थित है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों पिछले कुछ समय में आप धोलेरा स्मार्ट सिटी जो कि गुजरात में स्थित है उसके बारे में सुनते या देखते होंगे। दोस्तों मैं आज आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आज मैं आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी में क्या खासियत है और ये किस तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसके बन जाने पर आप इसके ऊपर गर्व कर सकते हैं। दोस्तों धोलेरा गुजरात के विकास के लिए एक उत्प्रेरक बनने के लिए तैयार है। दोस्तों धोलेरा SIR परियोजना सबसे बड़ी DMIC का एक हिस्सा है। आज धोलेरा में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। दोस्तों इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों यदि आप एक उत्कृष्ट शहर में निवेश करने की परियोजना बना रहे हैं या रहने के लिए सोच रहे हैं तो धोलेरा एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी में एक स्मार्ट लिविंग के लिए डिफेंस, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी और कई अधिक नवीन तकनीक की विशेषता यहां पर है या आने वाली है। दोस्तों पहले जानते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी की मुख्य विशेषता जो आपको जरूर जाननी चाहिए। जैसे धोलेरा भारत के प्रतिष्ठित पहले स्मार्ट शहर के रूप में विकसित हो रहा है। दोस्तों धोलेरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक टीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने धोलेरा को भविष्य और अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट सिटी के रूप में देखा है। दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्रीमियम सिविक सुविधाएं केवल धोलेरा में ही होंगी। दोस्तों शहर अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा और यातायात और प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रीय परिवहन केंद्रों के माध्यम से इसकी परिवहन प्रणालियों को नियंत्रण किया जाएगा। दोस्तों धोलेरा स्मार्ट शहर में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अंडरग्राउंड नोजल्स, इलेक्ट्रिसिटी और जो पानी की जो सप्लाईज हैं इसके अलावा वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, बेहतर कनेक्टिविटी सहित चौड़ी सड़कें इनमें शामिल होंगी। दोस्तों धोलेरा शहर जो बनेगा उनमें यह भारत के सबसे प्रगतिशील शहरों में से एक है जो नवीन और औद्योगिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। दोस्तों धोलेरा अवसरों की भूमि है न केवल निवेशकों और व्यापारियों के लिए और जो यहां आकर अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं बल्कि भारत के नागरिकों के लिए भी जो जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए इसे देख रहे हैं। दोस्तों धोलेरा स्मार्ट सिटी वह है जहां जीवन की गुणवत्ता का नेतृत्व किया जाएगा। ऐसा कोई अन्य शहर नहीं होगा जो धोलेरा को टक्कर दे पाए। दोस्तों यदि आप एक ऐसी संपत्ति की तलाश में हैं जो स्मार्ट सिटी में भी है तो वास्तव में भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर है जो आपको धोलेरा में संपत्ति खरीदनी चाहिए। इसके अलावा आपको रहने के लिए भी एक उत्तम जगह है। दोस्तों धोलेरा निवेश के कई लाभ हैं लेकिन कुछ लाभ यहाँ हैं जिन पर हमें अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के साथ स्मार्ट सिटी में एक भूमि के मालिक होंगे। आपका इन्वेस्टमेंट आपको थोड़े ही समय में दुगना मूल्य देगा। टाउन प्लानिंग सड़कों धोलेरा की टाउन प्लानिंग योजनाओं के अनुसार विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र का क्षेत्र वर्गीकरण जैसे औद्योगिक क्षेत्र, ज्ञान और IT क्षेत्र, सिटी सेंटर, हाई एक्सेस कॉरिडोर, आवासीय क्षेत्र आदि इनमें सम्मिलित हैं। दोस्तों स्मार्ट सिटी को हेल्क्रो द्वारा अच्छी तरह से योजना बनाई जा रही है। दोस्तों टाटा केमिकल्स द्वारा लिथियम आयन बैटरी के लिए एकॉम, LNT, SPML, टोरेंट आदि जैसी कंपनियों को टेंडर आवंटित कर दिया गया है और भारत का पहला खास वाहन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अब धोलेरा में होगा।
इसके अलावा धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 1426 हेक्टेयर भूमि पर कार्गो सह यात्री के साथ होगा, इसके साथ साथ अहमदाबाद से धोलेरा तक लगभग 250 मीटर एक्सप्रेसवे भी इनमें बनाया जा रहा है। दोस्तों धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी सही कई तथ्यों पर अपने में ही खास है कि धोलेरा के लिए इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि इसे टूरिज्म के लिहाज से भी इसे और डेवलप किया जा सके। दोस्तों इनमें प्रारंभिक जो परियोजनाएं हैं उनमें प्रमुख हैं सेंट्रल स्पाइन एक्सेस नियंत्रित 6 लेन अहमदाबाद भावनगर रोड 10 लेन के लिए प्रावधान के साथ किया जा रहा है। दूसरा गांधीनगर अहमदाबाद धोलेरा मेट्रो रेल के बीच ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए मेट्रो हाई स्पीड रेल परियोजना इनमें आवंटित है। इसके साथ साथ अहमदाबाद धोलेरा SIR कार्गो और घरेलू की सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इनमें सम्मिलित हैं। साथ ही साथ DSIR में औद्योगिक मेगा पार्क, इसके अलावा डिमिक के पार रेल आधारित मल्टी मॉडल फ्रंट लॉजिस्टिक पार्क, इसके साथ साथ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई गुजरात के अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए भी, साथ साथ लगभग 7,500 HEC सरकारी भूमि इनमें आरक्षित है। इसके साथ साथ AAI द्वारा स्थापित स्थान की साइट उपयुक्तता, इसके अलावा रक्षा मंजूरी AAI से NOC प्राप्त यहां पर हो चुकी है। साथ साथ सरकार गुजरात के SPV के गठन की मंजूरी भी दे चुकी है और सभी में DPR का काम लगभग दोस्तों जारी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित जो औद्योगों हैं उनके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग अलग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जैसे इनमें प्रमुख हैं रत्न और आभूषण, IT सेक्टर, यहाँ एग्रीकल्चर से संबंधित, हेवी इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा इसमें कई तरह के मॉल्स, मल्टी लेवल पार्किंग्स और इनमें कई तरीके के अन्य सुविधाओं के साथ यह भविष्य में यहाँ पर काफ़ी बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल सकेंगी। आशा है दोस्तों आपको मैं जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।